and campaigning and file public interest litigation in all states simultaneously, you know, and also in Supreme Court for the government to appoint gender sensitive protection officer, infrastructure, blah blah blah, whatever is required as per the law. Have networking of advocates to lend emotional support and legal knowledge among advocates and activists working on rights of women. Convert from victim mode to right mode. The concept has to come that we are no more victim, we are just asking for rights. And all the petitions, not only in domestic violence, even in family court and magistrate courts, then take the help of media and training modules of legal service authority to train the judges on the concept of gender justice. Media is like radio in villages and all, even in towns you can use radio, you can use TV, you can use newspaper, you can use magazines, you can use many things to go on writing, because so much of defamation is done on women's rights in these medias and other places. We will have to do our own way of positively, we have to start using it. Positively we have to work towards writing articles, writing, going to doing plays and all those things. Thank you. No, lunch is at 2. Okay, Miss Kavita. Good afternoon, all of you. मैं कविता श्रीवास्तव. मैं कविता श्रीवास्तव फ्रॉम विशाखा राजस्थान. डीवी एक्ट को लेके डीवी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में एडमिशन लेवल पे और क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस रहे राजस्थान में वो मैं एक बार बताती हूँ आपको कि ये नोटिस रिसीव नहीं होता है. ये तो वहाँ पे बहुत बड़ी डिफिकल्टी है कि जो नेक्स्ट डेट होती है जल्दी से रिसीव नहीं होता है. इसके साथ में एक और प्रॉब्लम यहाँ पे है कि नोटिस रिसीव तो नहीं करेगा पति, लेकिन जो फीमेल घर से कोर्ट तक पहुँचती है तो रास्ते में उसको परेशान करता है. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पर आती है. इसके लिए हमने मजिस्ट्रेट से बात करी तो वो बोलती है मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं क्या करूँ अगर वो परेशान करता है. इस तरह की दिक्कत वहाँ पर है. एक है कि अपील के लिए जब एंट्री में ऑर्डर होता है उस पर अपील 80% केसेस में अपील हो जाती है. और अपील होने के बाद में ये भी, एंड थर्ड है कि अगर ऑर्डर हो भी गया है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. जैसे उसमें लैंग्वेज में अगर ऑर्डर हो गया है कि चाइल्ड कस्टडी के लिए, तो चाइल्ड कस्टडी में जितने बच्चे हैं उतने बच्चे उठा के महिला को देते हैं. उसमें ऑर्डर में ये नहीं होता कि अगर चार बच्चे हैं और अगर महिला यही मांग रही कि सबसे छोटा ही बच्चा मुझे चाहिए तो बस चाइल्ड कस्टडी दे दो उसको सारे बच्चे. इस तरह की लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो ऑर्डर होता है उसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है. और दूसरी बात कि अगर उसने मेंटेनेंस मांगा है कि भाई इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं. और वहाँ पे डीवी एक्ट को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है, स्पेशली प्रोटेक्शन ऑफिसर को, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट को और जो सीजीएम है, जुडिशरी डिपार्टमेंट है, वो तो है ही. चैलेंजेस हमारे सबसे बड़े ये है कि एक्ट कहता है 60 डेज में रिलीफ मिले, लेकिन वो अभी तक तो कभी पॉसिबल हुआ है, साल भर, डेढ़ साल, मतलब इस तरह की स्थिति रही है. एक्ट कहता है कि इस डीवी एक्ट के लिए लॉयर्स रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि जब लॉयर नहीं होता है तो सीजीएम का ऐसा होता है, अच्छा तुम अपनी पैरवी कर लोगी, अच्छा तुम ऐसा कर लोगी, मतलब सीधे वो महिला को तुम्हें एडवोकेट की जरूरत नहीं है. और मतलब इस तरह की स्थितियां आती है. और जैसे एक बार ये स्थिति आई कि जब हमने एक दो टाइम्स में जो पैटर्न से एप्लीकेशन फाइल हो रही है, जो इस एक्ट में है पैटर्न फॉर्मेट्स बने हुए हैं, उसमें वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है. फिर वो ऑर्डर करता है कि आप इस एप्लीकेशन को फॉर्मेट में
एक्सेप्ट करते हैं उस एप्लीकेशन को, इस तरह की दिक्कत वहाँ पे राजस्थान में है. थैंक यू. आई नाउ कॉल अपॉन मिस सत्यभामा अवस्थी. मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और वास्तव में मैंने अपना प्रेजेंटेशन कुछ अलग ढंग से बनाया था, लेकिन बाद में मेल मिला कि कुछ फोकस करके बनाना है. तो कुछ तो जो दो दिन की बातें हैं उसमें जो कुछ मेरे सुझाव हैं, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं लेकिन मेरे पास उसके कुछ रेमेडीज हैं, वो मैं बताऊंगी. और दूसरा, बाकी मोर आर लेस छत्तीसगढ़ में वही स्थिति है, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर इन लोगों ने ICDS को बना दिया है. वो हमको अभी कल पता चला, 3 दिन पहले पता चला है. हम इसको लेके प्रोटेस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ जो स्टेट्स जहाँ पर NGOs को इनने सर्विस प्रोवाइडर बनाया है उनके हम रेफरेंस लेके PIL दाखिल करने की भी कोशिश करेंगे. इसमें सीधे अगर चुनौतियों की हम बात करें, चैलेंजेस की बात, बाकी सब बातें वही हैं जो सबको पता है, इसलिए मैंने उसको कहा आगे हम बढ़ा देते हैं. एक तो हिंसा की परिभाषा क्या है, ये भी बात हो चुकी है कि डेफिनेशन बहुत क्लियर नहीं है. मौखिक हिंसा आमतौर पर अवॉइड कर दी जाती है, तो हिंसा की परिभाषा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है. न्यायिक कार्य में उलझाव है, बातें हो रही हैं कि किस तरह से मजिस्ट्रेट के पास आते हैं, पुलिस मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट कहीं और उनको भेजते हैं. कठोर दंड का अभाव, इसमें केवल कंपनसेशन देने की बात की गई है और इम्प्लीमेंट नहीं होने पर उनको 1 साल के लगभग की सजा है. तो मुझको ये लगता है कि ये तो एक तरह से कई बार तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर भी होता होगा डोमेस्टिक वायलेंस में, तो क्यों ना इसमें कोई जैसे दूसरे दंड होते हैं वो उस तरह के दंड, कठोर श्रम के दंड भी देने का प्रावधान होना चाहिए. घरेलू हिंसा में सामंती सोच जो है, वही कि क्या हुआ, 2 थप्पड़ मार दिया, या औरतें भी सोचती हैं कि हम तो पुरुषों का काम करने के लिए ही बने हुए हैं, कोई विशेष बात नहीं. प्लीज आप थोड़ा सा हमारे साथ बैर कर लीजिए. हम और 3 स्पीकर्स हैं और नीचे जब तक वो हॉल नहीं क्लियर कर पाएंगे, हम में से कोई नीचे जाके अपना लंच नहीं ले पाएगा, तो उसी लिए अकोमोडेट कर लीजिए. या थैंक यू. सॉरी अबाउट दिस इनकन्वीनियंस, बट देयर इज अनदर अनाउंसमेंट एज वेल. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू प्लीज वेयर योर बैजेस, योर नेक, wherever your names are displayed, and some kind of identification wherein we know that you are from the national consultation. We are like over 200 people and we have another group which is having lunch downstairs, so just it makes easy. No, the blue tag around your, the blue tag in your hand or around your neck, wherever, will let us know. आपके पास वो जो नेम टैग दिया है वो प्लीज अपने हाथ में रखिए. आप तो चैन में लगा लेंगे या कहीं पे, इट्स जस्ट ऑल राइट एज लॉन्ग एज यू हैव इट इन हैंड एंड वी नो फॉर श्योर कि आप लोग नेशनल कंसल्टेशन के लिए आए हो. ओके, दिस इज जस्ट टू एंश्योर दैट ऑल ऑफ अस गेट फूड, दैट्स ऑल. जस्ट 15 मिनट और हम जाएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो जो पुरुषों को लेके पुरुष उसमें सोच है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम समाज के चेतना को, उसके सोच को कैसे बदले. नौकरशाहों का दबाव, एडमिनिस्ट्रेटर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इसको कोई वेटेज नहीं देते हैं. पुलिस की नकारात्मक भूमिका है, हालांकि प्रतिमा जी ने काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पर कहीं पर, दिल्ली पुलिस के जलवे ही अलग हैं, उनसे हम कहीं भी नहीं वो कर सकते. इसलिए दिल्ली पुलिस जो है, वैसी पुलिस अगर हर जगह हो तो फिर हम बोलेंगे कि दिल्ली पुलिस सबसे अच्छी है. तो पुलिस की बहुत ही नकारात्मक भूमिका है. स्वैच्छिक जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में मैंने बात की, उनका कोई रोल नहीं है. जो प्रताड़ित होती है उसको भी ऐसा लगता है मेरे घर की इज्जत है और मैं जाके बताऊं कि मैं पिटी हूं, और एक बार घर से बाहर गई तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी. ये वाली जो बात है ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपने आप में, हम महिलाओं की सोच में कैसे बदलाव लाएं.
गरीबी, नशा और शराब की लत है। मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी। अभी हम जब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ले रहे थे तो एक आउटसाइडर है, यहाँ शायद बाइबल की ट्रेनिंग में आए थे, वो हमारे साथ बैठ गए और उनने हम लोगों से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, कुछ प्रोग्राम चल रहा है क्या। तो जब हमने उनको बताया तो उनने अपने छोटा सा पर्सनल एक वो शेयर किया और मैंने उनसे कहा मैं जरूर कोट करूंगी मौका मिला तो। उनका कहना था मैं बहुत छुटपन से देखता आ रहा हूँ कि मेरे फादर मेरी मदर को बहुत टॉर्चर करते थे, और कब टॉर्चर करते थे, जब वो शराब पी लेते थे। वैसे बहुत नॉर्मल रहते थे, शराब पीने के बाद वो टॉर्चर करते थे, लेकिन शराब वो क्यों पीते थे, मैं बड़ा हुआ तो मैंने सोचा कि शराब क्यों पीते थे। तब उसने कहा कि मेरी मदर को 1 से 10 तारीख तक बहुत अच्छा बिहेव रहता था, क्योंकि उस समय सैलरी आती थी, और उसके बाद वो काफी इल ट्रीटमेंट, बहुत हार्श वॉइस में अपने हस्बैंड से बात करती थी। तो ये भी तब फिर मेरे फादर आमतौर पर 10 तारीख तक शराब नहीं पीते थे, उसके बाद वो शराब पीते थे। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा, हालांकि इसको मैं ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं एंटी वीमेन को ही बात कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को अपना भी कहीं पर हम एनालिसिस इस तरह के फोरम में करें, इस तरह रेयर होता है, लेकिन उनने शेयर की मुझको बहुत अच्छा लगा। गरीबी भी है, गरीबी के कारण व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है और उसको लगता है किस पे गुस्सा उतारूं, और वो बच्चों और माँ बाप, बच्चों और पत्नी से मारपीट करता है। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल एग्जैक्टली, पैसे वाले ज्यादा मारते हैं, ये भी बात है। और पैसे, छत्तीसगढ़ की जहां तक मैं बात करूं, बहुत गरीबी है, इसलिए मैंने जो पैसे वाले मारते हैं उनके केसेस बाहर भी नहीं आते। कल जब यहां बात हो रही थी कि 1 थप्पड़ मारा तो 1000 रुपए, 2 थप्पड़ मारा तो 2000 रुपए, हम पीछे बात कर रहे थे कि रोज अनिल अंबानी 4 थप्पड़ मारे, 10 थप्पड़ मारेगा नीतू को, टीना मुनीम को, और ये बोलेगा ये ले 10000 रुपए। तो ये कोई बात नहीं, इसलिए मैंने कहा था कि सश्रम दंड भी उसमें होना चाहिए। ये जो सुझाव है मेरे कुछ, इसमें हमको नियम और कानूनों के सही क्रियान्वयन पर करने के लिए दबाव बनाना चाहिए, संबंधितों में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सेंसिटाइज करने का मुद्दा पहले भी आया हुआ है, जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट लोग हैं और सिविल सोसाइटी है उनके बीच में बातचीत होनी चाहिए, मीडिया की संवेदनशीलता, मीडिया को बहुत ही ज़्यादा इसमें संवेदनशील होने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि किस तरह से निगेटिव स्टोरीज आ रही हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी पहल हुई है कि एकता कपूर के जब सीरियल की भरमार हुई, अब हम देख रहे हैं एकता कपूर के सीरियल एक तरफ रह गए, लेकिन अब बेटियों को लेकर काफी सारे सीरियल बन रहे हैं। एक एड आता है, घंटी बजाइए, कालबेल बजाइए, एक घर से कुछ आवाज आती है, पड़ोसी कटोरी लेके जाता है, कालबेल बजाता, बोलता शक्कर मिलेगी क्या। तो ये छोटे छोटे इंटरवीन है, हम आमतौर पर सोचते हैं पति पत्नी का झगड़ा है, हम क्यों बड़े उसके बीच में पड़े। तो मीडिया के रोल में भी फर्क आया है। अगर हम टीवी वगैरह की बात करें तो वहां जाएं तो वो तो पैसे के बिना कुछ एक्ट करते नहीं, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोकल चैनल्स में, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, लोकल स्पॉन्सरशिप खोजी है, हमारे यहाँ SECL NTPC जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेलवे जोन है, हमने उनकी स्पॉन्सरशिप खोजी है और हम उनसे टाइम टू टाइम टॉक कराते हैं, जिसमें एक्टिविस्ट, मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के लोग और पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स भी बैठते हैं। तो ये कोशिश हम वहां पर कर सकते हैं। प्रचार प्रसार वगैरह की जो बात है, मैं इसमें ये शेयर करना चाहूंगी कि हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हम कहां